एक और काम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होने लगा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कब्र नीचे से तो बिल्कुल पक्की नहीं करेंगे, कच्ची ईंटों पे, ऊपर भी पक्की नहीं बनाएंगे, ऊपर भी मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर भी इस तरह कब्रों के ऊपर रंग रोगन करने से मना फरमाया, और उनके ऊपर कोई इमारत वगैरह बनाने से मना फरमाया। तो अब लोग जो हैं वो कब्रों को हु पक्का बनाते हैं और उस पर टाइल लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, कीमती पत्थर लगाते हैं। ये गलत हो रहा है, ये इसराफ है। ये आम तौर पे जो कब्रों के साथ हम अपने आम लोगों के लिए जो करते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आम आदमी के साथ इस किस्म के मामले की ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे रहने दें। तो इसलिए ये टाइल वगैरह लगाना और ये पक्की कब्रें बनाना, ये इसराफ है और कुछ नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग, इतनी ऊंची ऊंची बनाते हैं कि बिल्कुल सर की सीध में सामने ऐसे बना रहे हैं। कब्रिस्तानों में जाओ तो कब्रें बिल्डिंगों की तरह बन रही, कब्रों की बाकायदा बिल्डिंगें बनी हुई, ऊंची ऊंची कब्रें बन रही। ये हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों इस काम में लग गए? पहले ऐसा नहीं होता था, अब देखा देखी एक दूसरे को देख करके कर रहे हैं सब। और किसी की कब्र नीचे है तो वो समझ रहा है कि तौहीन है मेरे बुजुर्गों की, जब फलां के ऊपर हैं सारी कब्रें ऊंची हैं, मैं भी ऊंची बनाऊं। बस इस तरह के हमारे यहाँ मुकाबला आ रहा है तो बहुत है ना, रियाकारी, दिखावा, मुकाबला हर चीज़ में। ये जज्बा फौरन हमारे अंदर बेदार हो जाता है, नाक नीची नहीं रहनी चाहिए भाई, गलत है, हम ज्यादती कर रहे हैं, मुर्दों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने पैसे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। यही पैसा उस मरहूम के इसाले सवाब के लिए खर्च कर दें, उसको इसका फ़ायदा हो जाएगा। एक शख्स खैमा लगा के बैठा हुआ, खूबसूरत सा खैमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि खैमा लगा के बैठा हुआ। आपने फरमाया इन्ज़िहु, इसको उखाड़ दें, ये इस मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, इस खैमे से इस मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि जो वो अमल करके गया है उसके अमल का खैमा उसके ऊपर लगा हुआ है तो बस वो फ़ायदा पहुँचाएगा उसके अमल का है। पहनना अमल हो युजिल्लहु, उसका अमल उसको साया देगा। ये बेकार लोग ये करते हैं, नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है आम लोगों के लिए। हाँ अलबत्ता ख़ास लोग उलमा और मशायख, उनका मामला अलग है, बुजुर्गान दीन कौमी शख्सियात हैं तो उनका मामला अलग होता है कि उनके लिए हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से कुछ एहतमाम किए गए हैं और बाकायदा उनकी कब्रों को ऊपर गुंबद वगैरह बनाकर, मज़ार या कुब्बा बनाकर इस तरह रखा गया है हमेशा से। ये कोई आज का अमल नहीं है। लोग कहते हैं जी ये देखिए आज इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, नहीं भाई, पीछे जाइए तारीख में और पूरी दुनिया पे जाके नज़र डालिए, और जहाँ जहाँ कब्रें बाजारात बने हुए हैं मशायख, उनकी हिस्ट्री जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये उस वक्त से चला आ रहा है जब जिस दौर को सब मानते हैं, जिस दौर की किताबों को मानते हैं। तो इसलिए देखिए ना, खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पे गुंबद शरीफ बना हुआ, नहीं बना हुआ तो किसी ने आज तक बना किया? अगर कोई बना करे तो वो तो अपनी राय में मुनफरिद ही होगा, बस अकेला ही होगा वो पूरी दुनिया में, पूरी तारीख उससे हटी हुई होगी, वो तारीख से निकला हुआ होगा। इसका मतलब है वो कोई नई चीज़ लेकर आया। तो मैं इसलिए, कोई साहिब आए थे कहने लगे मैं मुख्तलिफ फ़िरकों पर काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, कीजिए, आप लोग के हवाले से भी कुछ मालूमात करनी। मैंने कहा सुनिए भाई, अव्वल तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए हम कोई फ़िरका हैं, हम फ़िरका नहीं हैं, हम फ़िरका नहीं हैं, ये पूरा एक कंटिन्यूएशन है हमारा जो सिलसिला है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा ऐसे कि जिन चीज़ों की बुनियाद पे आप हमें फ़िरका कहते हैं वो चीज़ें तो उम्मत में हमेशा से रही हैं, हम तो उसी तसलसल को कायम रखे हुए हैं। अगर आपकी मालूमात नहीं है तो कीजिए मालूमात, जाइए देखिए। आप कहते हैं ये मज़ार बनाते हैं साहब बुज़ुर्गों के साथ, ये एहतमाम करते हैं, कब्रें ऊंची बनाते हैं, गुंबद बनाते हैं। मैंने कहा भाई ये तो ये आज का मसला नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अनवर बना हुआ है, हमारा ताल्लुक तो वहाँ से जुड़ गया,
और अब तक उम्मत ये देखती आ रही है हमारा उन सबसे ताल्लुक जुड़ा हुआ है, तो हम फिर कहाँ से हुए फिर? और जितने बड़े बड़े बुजुर्ग, ये तो अभी सन 1924 में जो नजदियों का दौर आया है, सऊदी मौजूदा नजदी जो इस वक्त यहूदियों की गोद में बैठे हुए हैं, इस वक्त जो यहूदियों अब तक जिन्होंने आलम इस्लाम की कोई खिदमत अंजाम नहीं दी सिवाय इसके कि फिरका वारियत को हवा दी, ये तो ये लोग जब आए हैं सन 1924 की बात है, खिलाफत का खात्मा हुआ है, इनको लाने वाले भी यहूदी थे असल में, अंग्रेज़ थे, उन्होंने साजिश करके खिलाफत उस्मानिया को यहाँ से ख़त्म किया और इन लोगों को उनकी जगह बिठाया और हरमैन को इनके हवाले किया। इन्होंने आकर ये तबाही मचाई कि सदियों से जो मज़ार बने हुए थे, पुरानी तस्वीरें उठा के देख लें, गुंबद खजरा भी उसके अलावा भी सब बना हुआ था, जन्नतुल बकी में सब बना हुआ था, अहले बैत अतहार के मज़ारात बने हुए थे, बड़े बड़े नाम असहाब के उनके मज़ारात बने हुए थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का रोज़ा बना हुआ था, सब पे गुंबद बने हुए थे, ये सब ढा दिया, अंदर बाकायदा कब्रें बनी हुई थी, मज़ारात बने हुए थे, उन पर नाम लगे हुए थे, सब ढा दिया। और ऐसा जुल्म किया कि हदीस में कम अज़ कम एक बालिश तक की तो है ना, एक बालिश भी नहीं छोड़ा, नाम भी नहीं छोड़ा, नाम ही मिटा दिया, आज पत्थरों के अलावा कुछ नहीं, दो दो चार चार पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर, ये हल किया इन्होंने। तो ये अब हुआ है, तो मैंने उनसे कहा जो साहब आए थे थीसिस लिख रहे थे फिरका वारिद, मैंने कहा आप देख लीजिए, मैंने उनसे पूछा इसी तरह और मसले ले लें, आप कहते हैं जी जो या रसूलल्लाह कहते हैं वो जो है फिरका है, मैंने कहा नहीं या रसूलल्लाह तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दौर में भी कहा जाता था, या रसूलल्लाह या मोहम्मद का नारा तो जंगी यमामा में सहाबा ने लगाया, मैंने कहा देखें अलबिदाया बनने आया अल्लामा इब्ने कसीर देखें पढ़े। तो इस तरह की दो चार चीज़ें मैंने उनके सामने, मैंने कहा यही मसले हैं ना आपके और तो कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया में यही कहते हैं आपके जी ये बिदत है ये शिर्क है, तो ये चीज़ें मौजूद हैं जनाब शुरू से चली आ रही हैं। तो फिरका वो नहीं होता जो शुरू से चला आ रहा है, यानी असलाफ से जुड़ा हुआ, जो असलाफ से जुड़कर चल रहा है वो फिरका नहीं होता। हाँ फिरका हम आपको बताते हैं, फिरका वो होता है जो असलाफ से हटकर फतवा देता है या राय कायम करता है, जो कंटिन्यूएशन से निकल जाता है। तो फिरका वो नहीं जो मज़ार को मानता आ रहा है, बुज़ुर्गों का एहतराम करते आ रहे हैं या उनकी बारगाहों में हाज़िरी देते आ रहे हैं, फिरके वो नहीं है, फिरका वो नहीं, फिरका वो है जो मज़ार को ढा रहा है, जो उसको बिदत कह रहा है, जो वहाँ जाने को शिर को बिदत बता रहा है, फिरका वो है, क्योंकि वो काम नया है, जो काम नया है वो फिरका है। फिरका वो नहीं जो या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, वो फिरका नहीं, क्योंकि वो तो शुरू से चला आ रहा नारा, बड़े बड़े बुजुर्गों से साबित है या मोहम्मद या रसूलल्लाह, वो फिरका नहीं। फिरका वो है जो इसको शिर्क कह रहा है, वो नया काम कर रहा है। इसी तरह कोई अगर बुजुर्गों को वसीला बना रहा है, उनसे फैज़ हासिल कर रहा है, उनसे इस्तिमदाद कर रहा है वसीले के तौर पे कि अल्लाह ताला ने उन पे फजल फरमाया है, वो हमारे काम आ जाते हैं, तो वो फिरका नहीं है। फिरका वो है जो इसको शिर्क कह रहा है, क्योंकि वो नया काम कर रहा है, ये समझना चाहिए। तो मैं उसका रहा था कि याद रखें कि ऊपर कब्र पर अगर बुजुर्गान दीन का मामला हो तो उसके ऊपर इस तरह का कोई चीज़ बनाना, कोई गुंबद बनाना, छत वगैरह बना देना, इमारत बना देना, इस नुक्ते नज़र से कि एक तो ये कि अल्लाह वाले हैं, नेक अजीम हस्तियाँ हैं, यहाँ लोग आएँ तो एहतराम की निगाह से, और इसी तरह उसकी गिर तावीज़, असल कब्र तो आमतौर पे छोटी होती है, एक बालिश तावीज़ साइड में बना दिया जाता है, उसके ऊपर चादर वगैरह डाल दी जाती है ताकि लोग आकर वहाँ एहतराम से फातिहा पढ़ लें, क्योंकि वो जब देखते हैं लोग इस तरह की चीज़ को तो एहतराम दिल में पैदा होता है, वरना आम आदमी समझेंगे। जैसे कौमी रोज़ के साथ किया जाता है, किस लिए? कि वो हमारी तारीख ज़िंदा रहे, रियासत की अहमियत रहे, तारीख ज़िंदा रहे, यादगार रहे, मिट ना जाए, इसलिए वहाँ भी किया जाता है। तो ये हमारे दीनी मज़हबी रूहानी हीरोज़ हैं, इनके साथ अगर ये किया जाए तो वो हर्ज नहीं है। हाँ अलबत्त हाज़िरी के आदाब हैं जो बताए जाते हैं किस तरह हाजिर दे, अगर ज्वाला वहाँ जा कर सजदा करते हैं और कोई हरकत करते हैं तो वो तो ऐसे मस्जिदों में भी लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, आगे हरम शरीफ जाते हैं हज करने उमरा करने, वहाँ भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं उल्टी सीधी, तो क्या मतलब को जाना गलत हो जाएगा? नहीं, रोका जाएगा, जहालत में जो हो रहा है काम गलत है, वो सजदा करता है गलत करता है, इसका मतलब ये थोड़ी मज़ार ही गिरा दो,
मजार गिरा दो। भाई कुएं में अगर कुत्ता गिर जाए तो कुत्ते को निकालो, कुआं क्यों बंद करते हो? कुआं तो काम का है। तो इसलिए मजार गिराना, ढा देना, ये नहीं। और जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से आया कि हुज़ूर ने मुझे हुक्म दिया कि जो ऊँची कब्रें उन्हें गिरा दो, ज़मीन से मिला दो, ज़मीन से मिला दो, हालांकि एक बालिश का तो हमें इजाज़त है, उधर फरमा ज़मीन से मिला दो, जो तस्वीर है उसे मिटा दो, तो वो असल में मुशरिकों की कब्रें बनेंगे, मुशरिकों के, काफिरों के। वरना हुजूर के ज़माने में किस मुसलमान की जरूरत थी कि वह ऐसी कब्र भी बनाए ऊँची और तस्वीर भी लगाए? तो मुसलमान थे, मुशरिक थोड़ी थे वो। वो कब्रें बन कैसे गई, सवाल ये है। हुजूर के सामने बनने वाली कब्र ऊँची कैसे हो गई और वहाँ तस्वीर कैसे लग गई, बुतों की, मूर्तियों की तस्वीर कैसे लग गई? कॉमन सेंस भी हमें ये बात आराम से समझा देता है कि ये मुशरिकों की बात। और फिर ये कि ज़मीन से मिला दो, ये तो नहीं फरमाया आपने, फरमाया एक बालिश रखो। तो ज़मीन से मिलाने का हुक्म मुशरिकों के लिए है, उसको लेकर यहाँ अप्लाई किया जाता है। देखो जी, ये जो हुआ था ना वो सही हुआ था, कब्रों को मिटा दिया ज़मीन से, नहीं नहीं वो मुशरिकों के लिए कहा। मुसलमान की कब्र के लिए, जैसे कि मैंने कहा, आम लोगों की कब्र के हवाले से ख़ास तौर पर एक बालिश रखी जाए, लेकिन अगर आम मुसलमान की कब्र भी एक बालिश से ऊपर बन गई तो उसको तोड़ फोड़ करना, गिराना, ये मना है। बन गई तो बन, क्योंकि कब्र का एहतराम भी है ना, कब्र का एहतराम। एक चीज़ बन गई है तो उसको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उसको गिराएंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि जी ये सही हुआ है, सही नहीं हुआ, कब्रों को जो मिसमार किया गया, हमवार कर दिया गया, नहीं, इससे पहले हमेशा कब्रें जन्नतुल बकी में और जन्नतुल माला में बनी रही। तो हम बुजुर्गान दीन के हवाले से हमारा ये तसव्वुर, एक तो ये बात हो गई कि उनका उनकी ताज़ीम और तकरीम ज़ाहिर हो, और दूसरा ये कि वहाँ जो लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए ठहरते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो इस मकसद के लिए ऊपर छत डाल दी जाती है, गुंबद बना दी जाती है। जैसा कि हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, आज से 400-500 साल पहले की बात है, मुल्ला अली कारी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे, उन्होंने कुरान और हदीस पे बहुत काम किया। उन्होंने ये बात फरमाई, कद अबाह सलफो अल बिना अला कब्र अल मशाइख वल उलमा अल मशहूरीन, कि हमारे सलफ ने इस बात की इजाज़त दी है कि मशाइख और मशहूर उलमा की कब्रों पे इमारत बनाई जा सकती है। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, क्यों? लियज़ूरहुमुन नास, ताकि लोग उनकी ज़्यारत करें, लोग आएँ और अदब से ज़्यारत करें। व यस्तरी हो बिल जुलूस से इंदहम, और ताकि आराम से वहाँ बैठ सकें। ये उन्होंने लिखा है अपनी किताब मिरकात में, देखिए इजाज़त है, और असलाफ से नकल कर रहे हैं कि हमारे असलाफ ने इसकी इजाज़त दी। लिहाजा बुज़ुर्गों का मामला और है और आम लोगों का मामला और है, आम लोगों के लिए इजाज़त नहीं है कब्रों के ऊपर इस तरह कोई चीज़ बनाने की, और वहाँ पर कोई इस तरह पैसा बहाने की ज़रूरत नहीं है। और बहरहाल मज़ारात के हवाले से भी एक बात अर्ज़ कर दूँ, जिस चीज़ से जो ज़रूरत बताई गई है वो ज़रूरत जिस चीज़ से पूरी हो जाती है बस उस हद तक कर देना काफ़ी है, बाकी ये कि उनके ऊपर सारी दुनिया का पैसा लगा देना और सोना चांदी चढ़ाना और उन पर डेकोरेशन कर करके भर देना और दुनिया का कीमती तरीन सरमाया वहाँ माल मटेरियल लगाना, ये सब फजूल है, फिर इसराफ है। ये तो फिर मस्जिदों में भी जो है वो मना किया कि सोने चांदी की दीवारें बनाई जाएं या बहुत ज़्यादा इस तरह रंग रोगन बिल्कुल एक शादी के घरों की तरह हॉलों की तरह नहीं मस्जिद में। तो इसलिए जो लोग जाहिल किस्म के पीर फकीर बैठे हैं आज गद्दी नशीन सज्जादे नशीन, जिनको कोई इल्म नहीं है, जो बस अपने बुज़ुर्गों की कमाइयाँ खाते हैं और उसी पे मेहनत करते हैं, ये जो बैठ गए हैं इनका अमल शरीयत के मुताबिक नहीं, न ये उलमा से पूछते हैं, न ये किसी फतवे पे चलते हैं, इन्होंने अपना दीन मज़हब वहाँ बना रखा होता है। इन बातों में आप ना चाहें कि इस तरह करना। पूरी दुनिया में मज़ारात गुंबद वगैरह बने हैं मगर सादगी के साथ बने हैं, तरीके से बने हैं, उसी तरीके। असल में बहुत से काम हुक्मरानों के थे कि उन्हें कैसे लोगों को चलाना है, पाबंद करना है, मगर हमारे यहाँ इतना शूर यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सका अभी तक। तो इसलिए दुनिया भर में तो एक जैसी इंसानियत नज़र आती है, मगर यहाँ हमारा मामला यह है, हर शख्स की अपनी हुकूमत है, हर शख्स की अपनी रियासत है, वो जो चाहे करे।